अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 7। इससे पहले हम तीन लेक्चर कर चुके हैं यूनिट 1 में। हार्डवेयर जो यूनिट 1 है उसका नाम है हार्डवेयर बेसिक्स, तो उसके बेसिक कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी उसके बारे में। और आज का जो टॉपिक है, जो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, वो है मेमोरी। तो मेमोरी को आज पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि मेमोरी किसको कहते हैं, इसके टाइप्स कितनी हैं और ये यूज हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेमोरी क्या है। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। मेमोरी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक चिप्स पर मुश्तमिल होती है चिप्स, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप। आप ये जो ब्लैक शेप में देख रहे हैं इसको क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप। मेमोरी स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा सो दैट सीपीयू कैन प्रोसेस देम। मेमोरी जो है वो इंस्ट्रक्शंस, आपके जो इंस्ट्रक्शंस है या जो डेटा है आपका, उसको स्टोर करता है किस लिए, ताकि सीपीयू उसको प्रोसेस कर सके। क्या होता है कि आप जो इनपुट देते हैं डेटा या इंस्ट्रक्शन की शक्ल में, वो जाती है रैम में, वहाँ पे पड़ी होती है। जैसे ही प्रोसेसर जो सीपीयू है वो रेडी हो जाता है प्रोसेस के लिए, तो ये जाके वहाँ पे प्रोसेस में फिच होती है, वहां से प्रोसेस होके वापस आ जाती है रैम में। तो इसलिए क्या कह रहा है कि मेमोरी स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा सो दैट सीपीयू कैन प्रोसेस देम। ये अपने पास डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है किस लिए, ताकि सीपीयू उसको प्रोसेस कर सके। इट इज द वर्किंग स्पेस ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का वर्किंग स्पेस है। वर्किंग स्पेस मीन जहाँ पे काम होता हो, कोई भी काम हो कंप्यूटर का, वो यहाँ पे होता है। मेमोरी है टू टाइप्स। मेमोरी के दो टाइप्स है, जो बेसिक है टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। सबसे पहले है रैम, स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें मेन डिफरेंस कौन सी है कि रैंडम एक्सेस, रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब, जिसको हम डायरेक्ट एक्सेस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई भी 100, 50, कुछ कोई जितने भी आइटम्स है, और आप उसमें जौन सा भी नंबर चाहते हैं, जौन सा भी फोल्डर फाइल चाहते हैं, तो आप उस पर डायरेक्टली जाके उसको क्या कर सकते हैं, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। इसमें ये ऐसा नहीं होता जैसे जो इससे पहले मेमोरीज में होता था सीक्वेंस वाला काम, कि आपने अगर 5th नंबर पर या 99 नंबर पर या 98 नंबर पर कोई भी चीज़ आपको रन करनी है, तो उससे पहले जितने भी आइटम्स हैं वो सारे आपको रीड करने होंगे। नहीं, इसमें रेंडमली एक्सेस है। एक्सेस मीन किसी चीज या किसी जगह पे पहुंचना। तो इसमें रेंडम मीन्स डायरेक्ट, डायरेक्टली हम जा सकते हैं, बेतरतीब जा सकते हैं, तरतीब को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप 50 स्टूडेंट हैं क्लास में और रोल नंबर 1 से 50 तक, तो अगर मैं किसी से टेस्ट लेना चाहूं या कोई क्वेश्चन करना चाहूं, तो तरतीब से ये होगा कि मैं उसमें जाऊंगा 1, 2, 3, पहले 1 से क्वेश्चन करूंगा, फिर 2 से, फिर 3 से। लेकिन रैंडम में क्या होगा, मेरी मर्जी है, मैं 49 को डायरेक्टली उठा के उससे क्वेश्चन कर सकता हूँ, 40 को कर सकता हूँ, जो मेरी मर्जी होगी। तो इससे क्या होता है कि टाइम बचता है और इसके से ज़्यादा स्पीड आती है। तो इसलिए रैम पर डिपेंड करता है, कोई भी लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, जितनी उसकी रैम ज़्यादा होगी, जितना उसमें ज़्यादा डेटा आ सकेगा, इसलिए इतना उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। उसके बाद है रोम। रोम क्या करता है कि इससे हम जस्ट इसकी जो कंटेंट होती है, जो डेटा होता है, वो जस्ट हम रीच कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसमें जस्ट हम क्या कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। तो अब रैम की फुल डिफिनीशन इन लोगों ने लिखी है कि रैम, व्हाट इज रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एंड एम फॉर मेमोरी। इट इज टेम्पररी स्टोरेज एरिया। इस बात को याद रख के, टेम्पररी मीन्स आरजी तौर पर। तो ये आरजी स्टोरेज एरिया, जहां पे डेटा स्टोर हो जाता होता हो, उस एरिया को हम क्या कहते हैं,
जो जिस जहां पर डेटा आरजी तौर पर स्टोर होता है उसको हम रैम कहते हैं। फॉर डेटा बिफोर एंड आफ्टर इट इज प्रोसेस्ड, कि जब डेटा इसमें टेम्पररी स्टोर होगा किसके लिए कि और कब, कि प्रोसेस्ड होने से पहले और प्रोसेस होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो डायरेक्टली रैम में जाएंगे, रैम से जाएंगे फिर सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, और उससे वापस जो आंसर होगा वो रैम में आएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि ये एक ऐसा टेम्पररी स्टोरेज एरिया है जहां पर डेटा बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेस आता है, सेव होता है। इट इज अटैच टू द मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है या होता है रैम। रैम इज वोलेटाइल, ये लफ्ज याद रख के ये आप हमेशा सुनते आ रहे होंगे और अब इसके बाद भी सुनने को मिलेगा। वोलेटाइल, वोलेटाइल किस चीज को हम कहते हैं, वो डिवाइस, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या करता हो, जो अपने पास डेटा को स्टोर करता हो लेकिन तब तक जब तक इसको पावर मिल रहा हो, जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी पावर इसकी ऑन हो तब तक इसको वो डेटा स्टोर कर सकता है, अदरवाइज वो डेटा लास्ट कर जाएगा। तो वो ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल। सच देट इंफॉर्मेशन इज लास्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, जैसे कि स्विच ऑफ हो जाती है, पावर ऑफ हो जाता है, इससे करंट आना बंद हो जाता है, तो ये अपना डेटा जो है जितना भी ये लास्ट कर जाएगा। इसको एक दफा फिर से सुने, वोलेटाइल का मतलब क्या है, कि जब तक इस रैम को या इस सिस्टम को करंट मिल रहा होगा तो ये अपने पास जितना भी आपका डेटा है रनिंग पोजीशन में वो सारा ये अपने पास सेव कर रखा होगा इसने, लेकिन जैसे ही पावर बंद हुआ ये डेटा लास्ट कर जाएगा। और ये एक नोट दिया गया है आप लोगों के लिए, आप लोगों के नॉलेज में इजाफा करने के लिए, कि व्हेन समवन टेल्स यू, जब कोई भी आपको कहे दैट योर कंप्यूटर डज नॉट हैव इनफ मेमोरी, कि आपके कंप्यूटर में ज्यादा मेमोरी नहीं है, इसकी मेमोरी कम है, इट मींस दैट योर कंप्यूटर डज नॉट हैव इनफ रैम, तो इसका मतलब क्या होगा, कि इसका रैम कम है, इसकी रैम की जो मेमोरी है वो कम है। फॉर एग्जाम्पल आप आजकल मोबाइल को देखें कि या कोई भी आपको मोबाइल आपसे पूछेगा कि कितनी मेमोरी है इसकी, रैम कितना है, क्योंकि कंप्यूटर या मोबाइल या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है कंप्यूटेशन की जो जिसमें स्टोरेज है, तो वो क्या करता है, उसकी स्पीड बेसिकली डिपेंड करता है रैम पर, जितनी उसकी रैम ज्यादा होगी उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ये एग्जांपल दिए हैं इन लोगों ने कि फॉर एग्जांपल समवन इज टाइपिंग अ लेटर ऑन द कंप्यूटर, कि कोई यूजर कंप्यूटर पे कोई लेटर लिख रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहा है, एंड द पावर गोज ऑफ, और एकदम से उसकी लाइट चली गई, डिस्कनेक्ट हो गया उसका सिस्टम, या लैपटॉप है उसमें चार्ज खत्म हो गई, द कंटेंट्स ऑफ द लेटर विल बी इरेज्ड फ्रॉम रैम इफ इट इज नॉट सेव, तो उसकी जितनी भी कंटेंट्स है अगर वो सेव नहीं है, उसको आपने किसी खास फाइल या फोल्डर में सेव नहीं किया तो सारे जितने भी कंटेंट्स है वो क्या होंगे, इरेज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप दोबारा उसको ऑन करेंगे तो उसमें वो चीजें आपको नहीं मिलेगी, वो आपको फिर से लिखनी होगी। अब आप एक एग्जांपल दिया है, ये देखें जो शेप्स बनी है, तो ये कौन सी एग्जांपल है, जो इससे पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, कि डेटा बिफोर एंड आफ्टर सेव करता है, प्रोसेस के बिफोर, प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पे देखो इन लोगों ने लिखा है कि वी यूज इनपुट डिवाइस टू इनपुट द नंबर्स, इनपुट डिवाइसेस के जरिए 5 एंड 6 दो नंबर हम देते हैं और अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शन, और उसके साथ हम इंस्ट्रक्शन भी इस कंप्यूटर को कहते हैं कि इस 5 और 6 के साथ क्या करो, एड, इसको एड करो। तो ये डेटा इनपुट के थ्रू कीबोर्ड और माउस के थ्रू आएगा किसको, रैम को आएगा, रैम के पास डेटा सेव होगा, वो क्या करेगा, अपनी बारी का वेट करेगा कि जैसे ही सीपीयू जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो ये क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है ना, प्लस एड कर रहा है दो आइटम्स को, तो जैसे ही सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो फारिग होता है,
तो ये उसको दे देता है 5, 6 एंड इंस्ट्रक्शन के साथ 8 भी उसको दे देता है कि इन दोनों को ऐड करो। तो वो उसको ऐड करके वापस इसको क्या देता है, 11 का आंसर देता है कि इन दोनों का आंसर क्या है, 11 है। अब इससे आगे क्या होगा, दो काम होंगे, या तो आप उस आंसर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीजों में, फ्लैपी डिस्क में स्टोर करते हैं, या USB या CD डिस्क में, या उसकी जो अपनी परमानेंट मेमोरी है कौन सी, हार्ड ड्राइव, उसमें आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है कि द नंबर्स एंड द इंस्ट्रक्शन आर टेम्पररीली हेल्ड इन मेमोरी, टेम्पररीली यहाँ पे स्टोर होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ से उसका आंसर आएगा रैम में दोबारा। अब रैम देखेगा कि कब ये जो यूजर है ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इस रिजल्ट को स्टोर करना चाहता है या इस रिजल्ट को, यहाँ पे दूसरा काम होगा फिर, या इस रिजल्ट को तो वो प्रिंटर के जरिए प्रिंट निकालना चाहेगा आउटपुट उसका, और या वो स्क्रीन पर शो करना चाहेगा, तो वो क्या होगा, इन दो जरिए के जरिए आउट प्रिंट इसको आउटपुट देगा यूजर को। तब यहाँ पे 3 नंबर पे क्या लिखा है कि द प्रोसेसर एक्सेस द नंबर्स एंड द इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द एडिशन, उन दोनों नंबर को एक्सेस करता है और उस पर एडिशन का जो एक्शन है वो परफॉर्म करता है। द रिजल्ट 11 इज टेम्पररीली हेल्ड इन मेमोरी रैम, तो वो जो रिजल्ट है वो टेम्पररीली फिर से आ जाता है रैम में, फ्रॉम हियर इट कैन बी आउटपुट एंड स्टोर, यहाँ से वो रिजल्ट स्टोर या क्या हो सकता है, आउटपुट के जरिए हम उसको प्रिंट या उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा जो उसका टाइप है वो है रोम। रोम जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी जो रीड ओनली मेमोरी है, इसका नाम ही ऐसा रखा गया है कि इसमें जो मेमोरी होगी और मेमोरी में जो कंटेंट जो डेटा होगा उसको जस्ट एक यूजर, कोई भी यूजर उसको रीड कर सकेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंटेंट जो डेटा जो इंफॉर्मेशन होती है वो कंपनी की तरफ से आती है और उस डिवाइस के बारे में होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, या उसकी जो डिवाइसेस है उसमें की मेमोरी क्या क्या है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, सारी चीजें इसकी इंफॉर्मेशन इस रोम में होती है और जो कंपनी की तरफ से आती है। इसको आप क्या कर सकते हैं, ना इरेज कर सकते हैं ना उसमें चेंजेस कर सकते हैं खुद से। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, इट इज अ परमानेंट स्टोरेज एरिया, इट कंटेन्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स हार्डवेयर डिवाइसेस, इट कंटेन्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर, जब भी कोई कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस आप स्टार्ट करते हैं तो उसकी आपको उसके कंपनी और उस डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन जो आती है वो उस कहाँ पे स्टोर होती है, रोम में। अबाउट इट्स हार्डवेयर डिवाइसेज, इसके जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज है उसके बारे में वो मालूम होती है। इट इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड पे ये भी फिक्स्ड होता है, और ये याद रखें ये परमानेंट स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो परमानेंट होगा। इट मीन्स कि ये नॉन वोलेटाइल है, इसकी करंट से या पावर से कोई वास्ता नहीं है। रोम इज नॉन वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल है, सच दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, लाइट चली भी जाए, इसको करंट आती है या नहीं आती है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटा कैन नॉट बी चेंज और रिमूव, इसका जो जितना भी डेटा है उसमें चेंजेस नहीं हो सकती और रिमूव ना इसको हम डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम द रोम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, इसलिए हम इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। उसके बाद है कि एक्सपेंशन कार्ड्स, इसका भी थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया था कि एक्सपेंशन कार्ड्स क्या है, एक स्मॉल सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है, और ये कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड वगैरह लगाते हैं, आपके जो ऑलरेडी कंप्यूटर में है उसमें कोई नुक्स आया है या वो कमज़ोर है, कम है, जैसे कि आपको पता होगा कि आप जब भी कोई हैवी ग्राफिक्स वाला गेम खेलते हैं तो उसके लिए आप अपना ग्राफिक्स कार्ड चेंज करते हैं, ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं उसमें, तो
आइए देखते हैं कि एन एक्सपेंशन कार्ड इज अ स्मॉल सर्किट बोर्ड. ये एक स्मॉल सर्किट बोर्ड होता है. इट गिव्स अ कंप्यूटर द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल अ स्टोरेज डिवाइस. ये क्या देती है? कैपेबिलिटी देती है कि उस स्टोरेज डिवाइस को कंट्रोल करे. एन इनपुट डिवाइस आर एन आउटपुट डिवाइस, उसकी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करने की बेसिक पर्पस ऑफ एन एक्सपेंशन कार्ड. एक्सपेंशन कार्ड का बुनियादी मकसद क्या है? इज टू एनहांस. एनहांस मीन बढ़ाना, ज्यादा करना द कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी है, जो खसूसियात है, जो महारत है, उसको बढ़ाने के लिए क्या इस एक्सपेंशन कार्ड्स यूज होते हैं. देयर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड्स. एक्सपेंशन कार्ड्स के चार बड़े टाइप्स है. नंबर वन, साउंड कार्ड. जो ऑडियो आप सुनते हैं, जो आवाज, जो वॉइस आप सुनते हैं, उसकी बेहतरी के लिए आप क्या करते हैं? साउंड लगाते हैं. साउंड कार्ड. अ साउंड कार्ड अलाउज अ कंप्यूटर टू रिसीव साउंड इन डिजिटल फॉर्म एंड प्रोड्यूस इट थ्रू स्पीकर. ये क्या करता है कि डिजिटल फॉर्म में आपका वॉइस रिसीव करता है और उसको स्पीकर के जरिए रिप्रोड्यूस करता है. स्पीकर के जरिए आप उसको सुनते हैं. स्पीक, ये आप देखें, ये कार्ड है और ये उसके पोर्ट्स है. तो यहाँ पे आप क्या क्या लगा सकते हैं कि स्पीकर्स, हेडफोन एंड माइक्रोफोन आर अटैच हियर. यहाँ पे आप ये तीनों चीजें लगा सकते हैं. उसके बाद है दूसरे नंबर पर ग्राफिक कार्ड. अ ग्राफिक्स कार्ड इनेबल्स, काबिल बनाता है कंप्यूटर टू डिस्प्ले आउटपुट इमेजेस ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. कि मॉनिटर स्क्रीन, जो स्क्रीन है आपका, उस पे आपको इमेजेस दिखा सके. क्या करता है ये? जितनी भी ग्राफिक्स होगी वो सारी इसी के थ्रू आपको नजर आएगी स्क्रीन पर. ये उसकी शक्ल है कार्ड की. और यहाँ पे इसका पोर्ट है जहाँ इस पे वीजीए केबल हम लगाते हैं, ग्राफिक कार्ड जहाँ पे हम लगाते हैं. बाकी दो कौन कौन सी है? तो तीसरे नंबर पर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इनेबल्स अ कंप्यूटर टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स. ये वो डिवाइस है, ये वो कार्ड है जिसके जरिए हम दूसरे कंप्यूटर्स के जरिए दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेशन दूसरे कंप्यूटर के साथ कर सकते हैं. ये देखें, ये यहाँ पे ये कार्ड है और ये इसका पोर्ट है. यहाँ पे लिखा है कि नेटवर्क केबल इज अटैच्ड हियर. यहाँ पे नेटवर्क मींस इंटरनेट या दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन इसके जरिए हम कर सकते हैं. उसके बाद है कि मोडेम. मोडेम इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डिजिटल डेटा ओवर टेलीफोन वायर्स. आप लोगों के घर में पीटी सेल वगैरह होगी, वो आप देखें तो मोडेम दो किस्म की होती है. एक इसको इंटरनल मोडेम कहते हैं और दूसरा जो आपके घरों में लगा होगा उसको एक्सटर्नल मोडेम कहते हैं. तो इसके जरिए हम क्या करते हैं कि जो ट्रांसमिट करते हैं डिजिटल डेटा, किसके जरिए से? टेलीफोन वायर के जरिए से. यूजुअली इट इज यूज फॉर डायल अप इंटरनेट कनेक्शन. जो पहले जमाने में यूज होती थी, आजकल ये इतने यूज नहीं होती. डायल अप इंटरनेट कनेक्शन मीन्स कि जो पीटी सेल आपके घरों में लगा होता है उससे एक केबल आता है और यहाँ पे लगता था. अब एक्सपेंशन कार्ड्स को कहाँ पे हम लगाते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट्स में. तो अब ये देखें कि एक्सपेंशन स्लॉट्स की क्या है डिफिनेशन. एन एक्सपेंशन स्लॉट इज अ लॉन्ग नैरो सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड इनटू व्हिच डिफरेंट एक्सपेंशन कार्ड्स कैन बी प्लग्ड इन. ये क्या होती है? एक लॉन्ग मींस तवील, एक तवील नैरो सॉकेट. नैरो मींस तंग. एक सॉकेट होती है जो मदरबोर्ड पे लगती है जिसके जरिए से हम डिफरेंट एक्सपेंशन कार्ड्स को प्लग करते हैं, उसमें लगाते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स. ये मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर में. सच डेट, सबसे पहले कौन सा है कि ISA, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर. इट इज अ स्लो स्पीड स्लॉट यूज फॉर मोडेम, रेयर टू फाइंड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स. ये पहले जमाने में यूज होता था. पहले जमाने में क्यों यूज होता था? कि उस वक्त इतनी स्पीड नहीं होती थी तो इसका स्पीड बहुत स्लो होता था. जैसे जैसे ये डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी में तरक्की आई है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है, तो इसको चेंज कर दिया गया है बाकी स्लॉट्स में. दूसरे नंबर पर है PCI, पेरिफेरल
components interconnect. It is a faster in speed than ISA slot. ये ISA slot से speed में ज़्यादा है. It is used for sound card. ये sound card के लिए use होता है, graphic cards के लिए use होता है and network cards and modems के लिए. AGP accelerated graphics port. Graphics आप देख रहे हैं यहाँ पे. तो जितनी भी new technology और ये जो बड़े बड़े game और heavy game जिसमें graphics बहुत ज़्यादा होती है, वो इसी slot के जरिए से हम उसमें कार्ड लगाते हैं और उसके जरिए हम खेलते हैं. इट इज़ अ हाई स्पीड स्लॉट. ये बहुत इसकी स्पीड बहुत हाई होती है. यूज ओनली फॉर ग्राफिक्स 3D ग्राफिक्स कार्ड. ये ग्राफिक्स और 3D ग्राफिक्स कार्ड के लिए यूज होती है. चौथे नंबर पर है PCI एक्सप्रेस, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस. इट इज़ अ लेटेस्ट एंड हाई स्पीड स्लॉट यूज फॉर हाई स्पीड ग्राफिक्स 3D ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड एक्सेट्रा. ये इन तीनों में से सबसे ज्यादा हाई स्पीड वाला है और न्यू है, और इसको ये जो नाम लिखे गए हैं यहाँ इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इसकी डिटेल काफ़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आपका लेवल है 7th स्टैंडर्ड का, इसलिए मैं आप लोगों को जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी है उतना ही पढ़ा रहा हूँ. ये आप देख लें, ये मदरबोर्ड है पूरा और ये एक्सपेंशन स्लॉट्स है. जो ISA स्लॉट हमने पढ़ा वो ये इस शक्ल का होता है जो आपको नज़र आ रहा है. PCI स्लॉट ये दोनों हैं, PCI एक्सप्रेस स्लॉट ये दोनों, और AGP स्लॉट जो नया आया हुआ है वो ये है. नया तो ये PCI स्लॉट आया हुआ है, लेकिन उससे पहले जो एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स था वो ये इस किस्म का कार्ड होता है, इस किस्म का सॉकेट होता है उसमें. मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद जितने भी है इस यूनिट में वो पढ़ेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.